तो दोस्तों, संघर्ष करते हुए कभी मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान इंसान अकेला होता है, लेकिन सफलता के बाद तो सारी दुनिया उसका साथ देने लगती है। हेलो एवरीवन, स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, और वापस आ गया हूं द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है May 6, 2019 और डे है मंडे। न्यूज़पेपर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, मैं अन अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक वेरीफाइड एज वेल एज प्लस एजुकेटर हूं। अन अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे मैं आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर्स शो लेकर आता हूं। अगर आप लोग अन अकेडमी के प्लस मॉडल की तरफ मूव कर रहे हैं तो मेरा रेफरल कोड aman.sharma का इस्तेमाल करके मैक्सिमम बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। मैक्सिमम बेनिफिट आपको कैसे मिल सकता है उसकी जानकारी के लिए ऊपर एक आई का बटन है, उसे प्रेस करके आप लोग जानकारी प्राप्त कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे से। कल मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम्स हैव द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इन द एनवायरनमेंट। इनमें से किस इकोसिस्टम के अंदर हम लोगों को सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है। आपके ऑप्शन थे ए कॉन्टिनेंटल शेल्फ, बी स्वैम्प्स एंड मार्शेस, सी ओपन ओशियंस, या डी सवाना। इसका आंसर है सी, ओपन ओशियंस। उम्मीद है आप लोगों ने करेक्ट आंसर किया होगा। एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बता देता हूँ। टाइप ऑफ इकोसिस्टम को मैंने प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे एक चार्ट पे आपके लिए लिखा हुआ है। सबसे ज़्यादा ओपन ओशियन की होती है, फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, फिर टेम्परेट फॉरेस्ट की, फिर सवाना की, फिर नॉर्दर्न कॉनिफेरस फॉरेस्ट की, फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स की, एग्रीकल्चर लैंड की। और इसी तरीके से इस पर्टिकुलर वीडियो को पॉज करके आप लोग इन सब चीज़ों को पढ़ोगे और बार बार रिवाइज करोगे। देखो, बिना रिविजन के कुछ भी आपको याद नहीं होगा, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप चीज़ों को रिवाइज करते रहें। आपके लिए आज का सवाल, क्वेश्चन ऑफ द डे है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज एनर्जी कंजम्पशन पैटर्न। इंडिया के एनर्जी कंजम्पशन पैटर्न से रिलेट करते हुए यहाँ पर तीन स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि इंडिया इज होम टू 18% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन बट यूजेज ओनली 6% ऑफ द वर्ल्ड्स प्राइमरी एनर्जी। इंडिया के अंदर 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रहती है, हम लोग पूरी दुनिया की सेकेंड मोस्ट पॉपुलेश कंट्री है, पर सिर्फ और सिर्फ 6% वर्ल्ड की प्राइमरी एनर्जी हम लोग कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं। दूसरी स्टेटमेंट है कि इंडिया का जो एनर्जी कंजम्पशन है वो अप्रॉक्सीमेटली दो गुना हो गया है, डबल हो गया है सिंस 2000, और जो पोटेंशियल है वो ये है कि हम लोग आगे आने वाले समय में और भी ज़्यादा रैपिड ग्रोथ ले सकते हैं। तीसरी स्टेटमेंट है कि जो पर कैपिटा फाइनल एनर्जी कंजम्पशन है इंडिया के अंदर वो स्लाइटली हाई है, एंड देयर इज़ अ वाइड डिस्पैरिटी बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज़। आपके लिए ऑप्शंस हैं ए वन एंड टू ओनली, बी टू एंड थ्री ओनली, सी वन एंड थ्री ओनली, एंड डी ऑल ऑफ दी अबव। अपने अपने आंसर्स आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। स्टार्ट करते हैं आज के द हिंदू की खबरों के साथ। पेज नंबर 5 पे आपको आज की सबसे पहली खबर मिलती है, डॉक्टर्स अपीयरिंग इन एड्स फॉर हॉस्पिटल्स मे फेस एक्शंस। तो यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स के एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो डॉक्टर्स की तस्वीरें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, ये वही डॉक्टर होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल के अंदर काम करते हैं, तो वो जो डॉक्टर्स हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें वायलेशन है ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल प्रोफेशनल कंडक्ट एटिकेट एंड एथिक्स रेगुलेशन 2002 के। यहाँ पे कुछ साल पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही बड़ा एक्शन लिया था कुछ ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स के खिलाफ जो कि यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट में अपीयर हुए थे, और यहाँ पे उनका नाम इंडियन मेडिकल रजिस्टर से और स्टेट मेडिकल रजिस्टर से 15 दिन के लिए हटा दिया गया था। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यहाँ पर एक और बड़ा डिसीजन लेने वाली है, क्योंकि यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स जो कि वर्क कर रहे हैं एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के अंदर कोची में, उनकी भी इसी तरीके की तस्वीर हमारे सामने आई है एक एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो कि May 1 को न्यूज़पेपर के अंदर आया था। ये जो मैटर है ये पहले ही अटेंशन में आ चुका है ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ ट्रावणकोर कोची काउंसिल ऑफ मॉडर्न मेडिसिन फॉर एप्रोप्रिएट एक्शन। बेसिकली जो सेक्शन 6.1 है कोड ऑफ एथिक्स का, वो ये चीज़ बोलता है कि जो फिजिशियंस हैं, जो डॉक्टर्स हैं, दे शैल नॉट मेक यूज ऑफ हिम और हर एज सब्जेक्ट ऑफ एनी फॉर्म और मैनर ऑफ एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी थ्रू एनी मोड आइदर अलोन और इन कंजक्शन विद अदर। तो यहाँ पे जो फिजिशियन होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, वो अपने आप को किसी भी एडवर्टाइजमेंट के अंदर इन्वॉल्व नहीं कर सकते और अपनी यहाँ पर किसी की भी अटेंशन गैदर नहीं कर सकते टू हिम टू हिज और प्रोफेशनल पोजिशन और स्किल और क्वालिफिकेशन। अपनी पोजिशन, स्किल या क्वालिफिकेशन के बेसिस पे यहाँ पर किसी की अटेंशन नहीं गेन कर सकते। तो जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं उनको पूरी आज़ादी है कि वो एडवर्टाइज करें कि उनके पास क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या उनके पास सर्विसेज हैं, पर यहाँ पर वो अपनी सर्विसेज को
उन चीज़ों से एडवर्टाइज़ नहीं कर सकते कि जैसे डॉक्टर्स की डिटेल देकर, डॉक्टर्स की फोटोग्राफ्स देकर अंडर देयर एम्प्लॉयमेंट, जो उनके अंडर ही काम कर रहे हैं। साथ ही डॉक्टर्स को इन चीज़ों के बारे में जानकारी है कि ये उनके कोड ऑफ एथिक्स के खिलाफ है, और फिर भी डॉक्टर्स अगर ऐसी चीज़ें करते हैं तो डॉक्टर्स के खिलाफ यहाँ पर एक बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। 2013 की बात है जब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने यहाँ पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिए थे 9 डॉक्टर्स के खिलाफ हु वर फीचर्ड प्रोमिनेंटली इन एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ सक्सेना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि सोनीपत हरियाणा के अंदर लोकेटेड है। अब यहाँ पर जो त्रावणकोर कोची काउंसिल ऑफ मॉडर्न मेडिसिन है, जो कि यहाँ पर मई के अंदर मिली थी पिछले साल, ब्रॉट आउट अ सर्कुलर दैट द काउंसिल वुड बी फोर्स्ड टू टेक सुओ मोटो एक्शन अगेंस्ट डॉक्टर्स इफ दे डिस्प्लेड देयर फोटोग्राफ्स। तो यहाँ पे उस काउंसिल ने इस चीज़ को बोला था कि वो सुओ मोटो एक्शन लेंगे, खुद ही यहाँ पर केस एक्सेप्ट करके एक्शन लेंगे अगर डॉक्टर्स अपनी फोटोग्राफ्स को डिस्प्ले करेंगे किसी भी हॉस्पिटल के बिलबोर्ड के ऊपर या किसी भी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। यहाँ पर डॉक्टर्स को भी बोला गया था कि वो लोग अपना जो नेम है, फोटोग्राफ्स हैं, उनको रिमूव कर दें फॉर सच पब्लिसिटी मटीरियल, नहीं तो उनका जो नाम है उसको रिमूव कर दिया जाएगा फ्रॉम द स्टेट मेडिकल रजिस्टर। बेसिकली जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के जो कोड ऑफ एथिक्स होते हैं वो डॉक्टर्स के ऊपर बाइंडिंग होते हैं पर हॉस्पिटल्स के ऊपर बाइंडिंग नहीं होते हैं। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जो जुरिस्डिक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स के ऊपर आती है, ना कि हॉस्पिटल्स के ऊपर। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 5 पे आपको खबर मिलती है तेलंगाना एड्रेसेस मैटरनल मोर्टेलिटी। देखो मैटरनल मोर्टेलिटी का मतलब ये होता है जब यहाँ पर एक बेबी को जन्म देते समय एक मदर की डेथ हो जाती है, उस चीज़ को हम लोग मैटरनल मोर्टेलिटी कहते हैं। यहाँ पर जो हमारे देश में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है उसको कम करने की मुहिम बहुत ही ज़्यादा जोरों शोरों से चल रही है। एक हफ्ते के अंदर यहाँ पर 30 नर्सेस को ट्रेन किया गया मिडवाइफरी के अंदर, और उनको 12 गवर्नमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के अंदर प्लेस किया जाएगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ डिलीवरीज देखने को मिलती है। यहाँ पर तेलंगाना सरकार का जो मेन मोटिव ये है कि जो सी सेक्शन से जो डिलीवरीज होती हैं उनका जो अमाउंट है वो कम हो सके और देश में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी कम हो सके, देश में एज वेल एज स्टेट में भी। देखो सी सेक्शन वाली जो डिलीवरीज होती हैं वो डिलीवरीज होती हैं जिन्हें यहाँ पर सिजेरियन डिलीवरीज भी कहते हैं, ओके, जो नॉर्मल डिलीवरीज नहीं होती हैं। और अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने आपके साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट भी डिस्कशन मिली थी जिसमें बताया था कि दुनिया में सी सेक्शन डिलीवरीज बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जो कि यहाँ पर महिलाओं की हेल्थ के भी अच्छी नहीं होती है। यहां पर सैंपल रजिस्टर्स सिस्टम के हिसाब से देखें तो जो स्पेशल बुलेटिन है जो कि मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया 2014-2016 यहां पर पेश करता है, उसने बताया था कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इंडिया के अंदर 130 पर 1 लाख लाइफ बर्थ्स है, जो कि यहां पे तेलंगाना के अंदर 81 पर 1 लाख लाइफ बर्थ्स है, जो कि फिफ्थ लोएस्ट स्टेट के अंदर आती है। सबसे कम MMR यहां पे केरला के अंदर है जो कि 46 है, और उसके बाद है यहां पर महाराष्ट्र के अंदर जो कि है 61। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें, ये जो चीज़ें हो रही हैं ये इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ वाले दिन के अंदर हुई, जो कि 5 मई को हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। तो 30 नर्सेज ने यहाँ पर 18 मंथ की यहाँ पर ट्रेनिंग ली है मिडवाइफरी की, और उनको यहाँ पर अब डिप्लॉय किया जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन फॉर स्ट्रेंथनिंग नर्सेज एंड मिडवाइफरी 2016-2020 है, यहाँ पर देयर इज अ डेमोस्ट्रेबल एविडेंस ऑफ सब्सटेंशियल द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी वर्क फोर्स टू हेल्थ इंप्रूवमेंट, कि यहाँ पर बहुत ही बड़ा और इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन होता है नर्सेज का, मिडवाइफरीज का यहाँ पर हेल्थ इंप्रूवमेंट के अंदर, और यहाँ पर पेशेंट सेटिस्फेक्शन भी हमें बढ़ती हुई नजर आती है, पेशेंट मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी भी कम होती हुई नजर आती है, फाइनेंशियल सिस्टम भी स्टेबलाइज होता हुआ नजर आता है थ्रू डिक्रीज्ड हॉस्पिटल रीएडमिशन। यहाँ पर जो लेंथ ऑफ स्टे है वो कम हो जाता है लोगों का अगर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड नर्सेज होती हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, मिडवाइफरी होती हैं, और यहाँ पे सी सेक्शन वाले जो यहाँ पे ऑपरेशन होते हैं उनका रेशियो भी कम होता हुआ हम लोगों को नजर आएगा। तो यहाँ पे तेलंगाना की सरकार ने एक बहुत ही बढ़िया स्टेप उठाया है। पेज नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको खबर मिलती है अनंतपुर विलेजर्स वेलकम विंग्ड विजिटर्स। यहाँ पे बात हो रही है अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है। यहाँ पर साल में 6 महीने के लिए जो वेरापुरम है और जो वेंकटापुरम विलेजेस हैं चिलामाथुर मंडल ऑफ आंध्र प्रदेश अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट की, वहाँ पर आप लोगों को पेंटेड स्टॉक्स देखने को मिलेंगी।
जो कि यहाँ पर एक माइग्रेटरी विजिटर्स होते हैं, कुछ ही दिनों के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। तो बेसिकली ये माइग्रेट करते हैं फ्रॉम दी साउथ ईस्ट एशिया टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन नवंबर दिसंबर और ऑक्यूपाई करते हैं ऑलमोस्ट एवरी ट्री इन द एरिया विच इज जस्ट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम द कर्नाटका बॉर्डर। यहाँ पर आप लोगों को ब्लैक, वाइट और ग्रे इल्बिस भी देखने को मिल जाएंगे। जो बर्ड होती हैं ये बहुत ज़्यादा नॉइजी होती हैं, पर विलेजर्स हम इन बर्ड्स के हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर चुके हैं। एक इस आर्टिकल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो था एक सब आर्टिकल जो कि बात कर रहा था डिक्लाइनिंग नंबर्स के बारे में। जो नंबर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो हमें कहीं ना कहीं गिरती हुई नजर आई हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी और फिशेस की अवेलेबिलिटी, फिशेस मतलब जो उनके प्रे हैं, जिनको वो यहाँ पे खाते हैं, जो उनके फूड हैं, उनकी अवेलेबिलिटी कम होती हुई नजर आ रही है, जिसका एक बहुत बड़ा कारण यहाँ पर क्लाइमेट चेंज भी है। इस साल जो बर्ड्स हैं दे अराइव्ड इन दिसंबर और उन्होंने अपने नेस्ट बिल्टअप किए थे जनवरी के अंदर, अपने एग्स ले किए थे बाय मंथ एंड ऑफ मिड फरवरी। यहाँ पर जो विलेज है इट इज नोन टू बी द डेस्टिनेशन ऑफ दिस माइग्रेटरी बर्ड्स फॉर ओवर 100 ईयर्स, पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1982 के बाद ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फॉर्मली आइडेंटिफाई किया था इन बर्ड्स की प्रोटेक्शन को। कोई भी टेंजिबल एफर्ट अभी तक भी नहीं लिया गया है कि इन बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो टूरिस्ट होते हैं, फोटोग्राफर्स होते हैं, वो यहाँ पर वीकेंड पे आते हैं इन बर्ड्स की सुंदर तस्वीरें क्लिक करने को। ओके, यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर आप लोगों को स्टोन कार्व्ड नंदी जी की एक तो आपको मूर्ति देखने को मिल जाएगी और जो कि लेपाक्सी से बिलोंग करती है। यहाँ पे एक सब आर्टिकल के अंदर एक और चीज़ है जो यूरिक एसिड से बिलोंग करती है कि यहाँ पर यूरिक एसिड देखने को मिला है दैट इज़ फाउंड इन द ड्रॉपिंग ऑफ दीज बर्ड्स। जो बर्ड्स यहाँ पर होती हैं वो यूरिक एसिड यहाँ पर ड्रॉप करती हैं अपने बेस वेस्ट के अंदर, जो कि यहाँ पर ट्री के ओर डैमेज भी कॉज करता है। ओके, ट्री को नुकसान पहुँचाता है। बहुत सारे लोगों का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पर नए ट्री प्लांट करने में। ये भी एक बहुत ही बड़ा इशू है कि उन बर्ड्स की वजह से यहाँ पर ट्री को भी नुकसान हो रहा है। एंड ओनली द टैमरिंड ट्रीज सीम्स टू बी एबल टू विदस्टैंड द इफेक्ट ऑफ दिस एसिड ड्रॉपिंग। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। पेज नंबर 5 पे आपको खबर मिलती है हैवी सिक्योरिटी फॉर चंदनोत्सवम एट सिमाचलम टेंपल इन आंध्र प्रदेश। तो जो सिमाचलम टेंपल है आंध्र प्रदेश के अंदर, वहाँ पे एक एनुअल फेस्टिवल बनाया जाता है जिसको हम लोग चंदनोत्सवम के नाम से जानते हैं। जो चंदनोत्सवम फेस्टिवल है वो लॉर्ड वराह लक्ष्मी नरसिम्हन स्वामी जी को यहाँ पर डेडिकेटेड है। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 7 की तरफ। आपको खबर मिलती है इन असम एलिगेशंस ऑफ फॉल्स NRC ऑब्जेक्शन। यहाँ पर ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन ने यहाँ पर इस चीज़ को क्लेम किया है कि कुछ यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन फॉल्स ऑब्जेक्शन भी कर रही हैं बहुत सारे लोगों के खिलाफ फ्रॉम रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, जिनको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है इन द ड्राफ्ट NRC। तो जिन लोगों का नाम यहाँ पर NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के अंदर हम लोगों को देखने को मिला है, उनके खिलाफ यहाँ पर फॉल्स ऑब्जेक्शन की जा रही है, खासकर उन लोगों के खिलाफ जो कि रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। जो कंप्लीट ड्राफ्ट था उसको पब्लिश कर दिया गया था जुलाई 2018 के अंदर, जिसमें से 40.07 लाख को यहाँ पर हम लोगों ने एक्सक्लूड भी कर दिया था। ओके, और इसके साथ साथ यहाँ पर एक विंडो भी खोल दी गई थी कि कुछ लोग जिनके नाम एक्सक्लूड कर दिए गए हैं वो डिमांड भी कर सकते हैं कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास हैं और वो फॉरनर्स ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं, और जिसमें से 36 लाख लोग हम लोगों को क्लेम करते हुए नजर आए। उम्मीद ये है कि जुलाई 2019 तक हमारे सामने ये फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी। जो विंडो थी वो एंड हुई ऑन डिसम्बर 31st 2018, बस प्रोवाइडिंग फॉर दोज लेफ्ट टू फाइल क्लेम फॉर री इंक्लूजन। जो सिटीजन थे जिनको सस्पेक्ट किया गया था एज द फॉरनर्स गॉट इन टू द लिस्ट वर ऑल्सो अलाउड टू फाइल ऑब्जेक्शन विद इन द सेम पीरियड। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, जो रिलीजियस है एज वेल एज जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से बिलोंग करने वाले लोग हैं उनको हरास किया जा रहा है इन द नेम ऑफ द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। देखो, अगर ये इशू है तो इस चीज़ के ऊपर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि अगर हमारे देश में कोई ऐसी एक्सरसाइज हो रही है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन वाली एक्सरसाइज हो रही है, जिनके बेसिस पे हम लोग ये देख रहे हैं कि कौन कौन लोग यहाँ पर असम के अंदर रहने वाले लोग हैं और कौन कौन लोग यहाँ पर कुछ जो यहाँ पर गाइडलाइंस हैं, कुछ जो यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसके बाहर से आए हुए हैं, तो उनके सामने यहाँ पर डिटेनी और यहाँ पे एक जो बात हो रही है उनको ध्यान में रखते हुए लोगों को हरास ना किया जाए। पेज नंबर 7 पे ही आपको एक और खबर मिलती है एंटी डंपिंग ड्यूटी पुट ऑन सैक्शरीन।
तो फिनेंस मिनिस्ट्री ने यहाँ पर क्या किया है, कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से आई थी एक रिकमेंडेशन कि आप लोग इम्पोज कर दो एक एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑफ $1,633.17 पर टन ऑन द इम्पोर्ट ऑफ सैक्रीन फ्रॉम इंडोनेशिया। जो इंडोनेशिया से सैक्रीन आता है वहाँ पे से आप लोग एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दो। अब यहाँ पे जो सैक्रीन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है जिसको ज़्यादातर हम लोग सुगर सब्स्टिट्यूट स्वीटनर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इंडोनेशिया की बात करें तो टिल रिसेंटली जो अकाउंट करता था लार्ज चंक ऑफ इंडिया सैक्रीन इंपोर्ट। 2017-18 के अंदर इंडिया ने इंपोर्ट किया टोटल $4.36 मिलियन वर्थ ऑफ सैक्रीन फ्रॉम इंडोनेशिया, जो कि यहां पर हमारे टोटल सुगर सब्स्टिट्यूट कंपाउंड इंपोर्ट का 43% का। हाउएवर जो इम्पोर्ट था इंडोनेशिया से वो हम लोगों को डिक्लाइन होता हुआ नज़र आया अप्रैल 2018 और फरवरी 2019 के पीरियड के बीच में। इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ $1.48 मिलियन का यहाँ पर सैक्रीन इम्पोर्ट किया इंडोनेशिया से एंड अबाउट 20% ऑफ इट्स टोटल इम्पोर्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, जो कि 20% था। तो आप लोग सोचो कि 43% से ये 20% पे यहाँ पर रिड्यूस होता हुआ नज़र आया है। जो प्रोडक्ट है वो अंडर कंसिडरेशन है, इट हैज़ बीन एक्सपोर्टेड टू इंडिया फ्रॉम सब्जेक्ट कंट्री बिलो देयर नॉर्मल वैल्यू, अपनी नॉर्मल वैल्यू से नीचे के यहाँ पर रेट पे इंडिया को दिया जाता है, जिससे हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो भी सफ़र कर रही है। और इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान में दिया जा रहा है कि वो इतने सस्ते में हम लोगों को क्यों दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 7 पे ही आपको खबर मिलती है, इंडिया यूके इन टॉक टू बिल्ड अ नेवल सुपर कैरियर। तो यहाँ पर इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में बातचीत चल रही है कि हम लोग बनाएंगे एक नेवल सुपर कैरियर। बेसिकली इस नेवल सुपर कैरियर को उसी तरीके से बनाया जाएगा जिस तरीके से ब्रिटेन का HMS क्वीन एलिजाबेथ है। यहाँ पर इसको कॉपीकैट कैरियर, सुपर कैरियर भी बोला जाएगा, जो कि हमारे देश में बन रहा है, जिसका नाम होगा INS विशाल, जो कि 2022 के अंदर हम लोगों को डिप्लॉय होता हुआ नजर आएगा। तो जो इंडियन डेलीगेशन है उन्होंने पहले ही विजिट कर लिया है रॉसिथ डॉकयार्ड, जो कि स्कॉटलैंड के अंदर है, जहाँ पर HMS क्वीन एलिजाबेथ को असेंबल किया गया था और जहां पर सेकेंड सुपर कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स अभी भी बनाया जा रहा है। अगर डील ये एग्री हो जाती है, जो नई वॉरशिप होगी इसको इंडिया में बनाया जाएगा, पर यहां पर जो यूके कंपनीज होंगी वो बहुत सारे पार्ट्स इंडिया को एक्सपोर्ट भी करेंगी। ये थर्ड कैरियर होगा। द रिपोर्ट नोटेड दैट द न्यू नेवल कैरियर वुड सर्व अलॉन्ग साइड विद इंडियाज 45,000 टन कैरियर, जिसका नाम INS विक्रमादित्य है, जिसको हम लोगों ने रशिया से 2004 में लिया था। इसके साथ साथ जो हमारा एक अंडर कंस्ट्रक्शन है INS विक्रांत, जो कि 40,000 टन का है, इट कुड गिव इंडिया अ लार्ज कैरियर फ्लीट देन ब्रिटेन। और यहां पर उसके बाद ये तीसरा कैरियर होगा जिसका नाम हम लोग रखने वाले हैं INS विशाल। ओके, आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 9 पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए एक आर्टिकल आया है, अ बैटल वॉन बाय मेनी। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने मसूद अजहर को एक ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट करा दिया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो कमेटी है 1267 उसके रिजोल्यूशन के अंदर, बट उस चीज़ को हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंडिया के विन नहीं मान सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो आर्टिकल की हेडलाइन है वो उसी के बारे में बात कर रही है। ये वो बैटल थी जो कि बहुत सारे देशों ने मिल के अचीव करी। हाँ, इंडिया का जो परसिस्टेंट एफर्ट था, इंडिया के ऊपर जो इफेक्ट था वो इस पर्टिकुलर चीज़ का सबसे ज़्यादा होगा, पर जो यहाँ पर एक्सपोर्ट सपोर्ट दिखाया फ्रांस ने, यूके ने और यूएस ने, और यहाँ पे एंड में जाकर जो चाइना को काउंटर करने में इन सारे के सारे देशों ने मदद करी, वो एक बहुत ही बड़ा कारण बना कि हम लोग मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट करा पाए इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने क्या बोला था कि मसूद अजहर वाज लिस्टेड ऑन 1 May 2019 एज बीइंग एसोसिएटेड विद अलकायदा, कि उसका जो एसोसिएशन है वो अलकायदा के साथ है, फिनेंसिंग, प्लानिंग, फैसिलिटेटिंग, प्रिपेयरिंग, परपेट्रुएटिंग द एक्ट्स या एक्टिविटीज़ या किसी और के नाम पे, किसी के बिहाफ पे लोगों को आर्म एंड आर्मरी सप्लाई करना, लोगों को रिक्रूट करना टेरर एक्टिविटीज़ के लिए, ऐसी चीज़ों में यहाँ पर मसूद अजहर का इन्वॉल्वमेंट था, एज वेल एज जैश मोहम्मद जो है उसका ये हेड भी है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया कि जो मसूद अजहर है, इट फाउंडेड जैश मोहम्मद अपॉन हिज रिलीज फ्रॉम द प्रिजन इन इंडिया, जो कि यहाँ पर 155 हॉस्टेजेस जो हमारे इंडियन एयरलाइन के प्लेन को रख लिया था उनको यहाँ पर छोड़ने के बदले मसूद अजहर को यहाँ पर छुड़ाया गया था। हाउएवर इट मेड नो मैंशन ऑफ हिज रोल इन एनी ऑफ द अटैक्स इन इंडिया इंक्लूडिंग द रिसेंट वन ऑफ पुलवामा विच वॉज मैंशन इन द ओरिजिनल प्रपोजल। तो जो इमीडिएट इम्पैक्ट होगा मसूद अजहर की लिस्टिंग का वो क्या होता है,
एसेट फ्रीज हो जाएंगे, ट्रैवल के ऊपर बैन लग जाएगा, आर्म्स एम्बार्गो हो जाएगा कि कोई भी यहाँ पर उसको आर्म नहीं बेच सकता। एसेट फ्रीज का मतलब ये होता है कि जितनी भी स्टेट्स हैं उनको ये चीज़ ज़रूरी है कि उनको फ्रीज करने पड़ेंगे मसूद अज़हर के सारे फंड्स, चाहे वो मूवेबल हों, अनमूवेबल हों, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर देश के हों। इसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर पाकिस्तान ने भी फोर्सफुली अब यहाँ पर मसूद अज़हर के एसेट के ऊपर यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी है। साथ ही कोई भी यहाँ पर आम एम्बार्गो का मतलब होता है कोई भी देश यहाँ पर प्रिवेंट करेगा कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सप्लाई ना हो सके या सेल और ट्रांसफ़र ना हो सके उनकी टेरिटरी से, उनके नेशनल द्वारा यहाँ पर कोई भी आर्म्स या रिलेटेड मटेरियल यहाँ पर मसूद अज़हर को। तो ये रिजोल्यूशन ये बहुत ही लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हम लोगों को दिखाई देगा। इट इज़ लाइकली टू हैव अ प्रिवेंटिव एंड डिटरेंट इफेक्ट ऑन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ग्लोबली, पर्टिकुलरली जो एक्टिविटीज़ साउथ एशिया के अंदर होती हैं। अब इस आर्टिकल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिप्लोमेटिक विन है इंडिया के लिए। शोकेसिंग दिस एज ओनली एन इंडिविजुअल एकम्प्लिशमेंट इज अ पेरोरकियल एंड इम्प्रूडेंट अप्रोच। अगर हम इस चीज़ को ये देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया की ये जीत है तो ये बहुत ही पेरोरकियल और एक बहुत ही इम्प्रूडेंट अप्रोच होगा। तो इसको अगर अच्छी तरीके से एनालाइज किया जाए तो एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जो है इंडिया की और बाकी सारे देशों की, उसका इफेक्ट था। इंडिया की जो फॉरन पॉलिसी है उसके डिसीजन का यह इम्पैक्ट था। यहाँ पर जो पॉलिटिकल गेन थे और यहाँ पर जो पॉलिटिकल प्लेयर थे उन चीज़ों के यहाँ पर जो विल थे उनका यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट था। यहाँ पर जिस तरीके से हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया बहुत सारे इंटरनेशनल नेगोशिएशंस के अंदर, उसका इम्पैक्ट था। तो डिप्लोमेसी की बात करें, डिप्लोमेसी कैन नाइदर बी क्रिटिक्ड इन रैलीज। डिप्लोमेसी को हम लोग यहाँ पर बड़ी बड़ी रैली में, मीडिया डिबेट में क्रिटिक्स नहीं दे सकते, हम लोग उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोगों ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बैटल यहाँ पर जीती है, और बैटल जीतने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है यहाँ पे कॉन्टिन्यूस एफर्ट। ऐसा नहीं है कि एकदम से इंडिया ने ये एफर्ट लगाया और इंडिया जीत गया। कॉन्टिन्यूस एफर्ट यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसीलिए जब यहाँ पर फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने सबके सामने आकर बोला तो उन्होंने यूपीए की सरकार को भी यहाँ पर सराहना दी कि उन्होंने भी जो एफर्ट लगाया था वो अब धीरे 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 जब बाकी धीरे धीरे सरकारें आईं तो उन्होंने कंप्लीट होता हुआ नजर आया। देखो, जब देश की बात होती है तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती, सरकारें होती हैं, और सरकारें कौन चुनते हैं? हम लोग चुनते हैं हम लोगों को चलाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 12 पे आपको खबर मिलती है, किम ओवरसॉ टेस्टिंग ऑफ टैक्टिकल वेपन्स। तो नॉर्थ कोरिया ने कंडक्ट किया है एक स्ट्राइक ड्रिल फॉर मल्टीपल लॉन्चर्स, यहाँ पे फायर किए अपने टैक्टिकल गाइडेड वेपन्स इनटू द ईस्ट सी अपने इस मिलिट्री ड्रिल के अंदर, जिसको सुपरवाइज किया किम जोंग उन ने। अब यहाँ पर जो परफॉर्मेंस थे लार्ज कैलिबर लॉन्ग रेंज मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की और टैक्टिकल गाइडेड वेपन्स की, उनको टेस्ट किया गया डिफेंस एजेंसीज द्वारा, डिफेंस यूनिट्स द्वारा, ऐसा कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी का कहना है। इस तरीके के जो मिसाइल लॉन्च हैं दे वुड बी इन वायलेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन एंड इट वुड नॉट इन्वॉल्व लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दैट हैव बीन सीन एज थ्रेट टू US। यहाँ पे ये चीज़ें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के वायलेशंस थी, उसके बाद भी यहाँ पर किया, बट यहाँ पर नॉर्थ कोरिया का कहना है कि उन्होंने लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को यहाँ पर टेस्ट नहीं किया। जो नई सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है वो सिर्फ और सिर्फ 500 किलोमीटर तक ही फ्लाई कर सकती है, putting the entire Korean peninsula within its range। यहाँ पर बेसिकली ये कैपेबल है न्यूट्रलाइज करने के लिए जो एडवांस US एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि US ने डिप्लॉय कर रखा है साउथ कोरिया के अंदर। साउथ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर का ये कहना है कि जो रेंज ऑफ वेपन्स हैं वो कहीं ना कहीं 70-240 किलोमीटर के आसपास के हैं जिनको यहाँ पर टेस्ट आउट किया गया। पेज नंबर 12 पे आगे ही आपको एक और खबर मिलती है, US टू हाइक टैरिफ्स ऑन $200 बिलियन ऑफ चाइनीज गुड्स। यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पर हाइक करने वाला है टैरिफ $200 बिलियन के चाइनीज गुड्स के ऊपर। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज़ को अनाउंस किया कि यहाँ पर 25% यहाँ पर टैरिफ लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेड टॉक जो चल रही थी US और चाइना के बीच में वो बहुत ही स्लोली मूव कर रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जो एक्शन था ये उस चीज़ से पहले था कि जब यहाँ पर जो चाइनीज़ डेलीगेशन है वो वॉशिंगटन विजिट करने वाले हैं अभी लास्ट राउंड ऑफ दी
टॉक्स के अंदर। तो इसको बिलीव ये है कि ये पॉसिबली लीड कर सकता है टू अ डील। देखो फॉर 10 मंथ्स चाइना हैज़ बीन पेइंग टैरिफ टू द यूएसए ऑफ 25% ऑन $50 बिलियन हाईटेक। 10% का टैरिफ वो लोग पे कर रहे हैं $200 बिलियन के गुड्स के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज़ को ट्वीट किया कि 10% जो आप लोग पे कर रहे हो यहाँ पे गुड्स के ऊपर, वो 25% पहुँच सकते हैं फ्राइडे को। तो दोनों साइड ने यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर रिटेलिएटरी मेजर लगाए थे $360 बिलियन के। ऐसा नहीं है कि चाइना ने नहीं लगा रखे हैं यूएस के ऊपर, बट यहां पे यूएस का यह कहना है कि जो ट्रेड डील है वो बहुत ही स्लोली मूव कर रही है और यहां पर कोई भी अटेम्प्ट नहीं दिख रहा है हमें रीनेगोशिएशन का। तो शायद फिर से यहां पर कुछ और इंप्लीकेशन हम लोगों को नजर होती हुई नजर आएंगी। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 12 पे ही आपको एक और सुंदर आर्टिकल मिलता है, नो गारंटी दैट बैंक प्राइवेटाइजेशन विल बी अ पैनाकिया। यहाँ पर एक किताब की समरी है और ये बुक जिन लोगों ने लिखी है वो बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज़ हैं। आप खुद नाम पढ़ सकते हो, एडिटेड बाय अभिजीत बैनर्जी, गीता गोपीनाथ जो कि आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे देश के पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन और मेहर एस शर्मा जी ने यहाँ पर इस बुक को एडिट किया है। नाम है व्हाट द इकोनॉमी नीड्स नाउ, आज की डेट में इकोनॉमी क्या क्या चीज़ें नीड करती है। जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ये आपका जीएस पेपर 3 मेंस पेपर के लिए एक बहुत ही ज़रूरी आर्टिकल है। इस आर्टिकल को ज़रूर अपनी अपनी डायरीज में लिख लेना। शुरुआत करते हैं, बात की गई कि जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है वो ओवरबर्डन हो चुका है ड्यू टू द नॉन परफॉर्मिंग लोन्स। जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर, और अगर हम लोग प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें वो भी इस पर्टिकुलर चीज़ से इम्यून नहीं है। कुछ यहाँ पर हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि हमें ज़रूरत है कि हम लोग हमारे गवर्नेंस सिस्टम को, ट्रांसपेरेंसी को, जो हमारा इंसेंटिव सिस्टम है उसको बेहतर बनाए। हाउएवर द डिफ़िकल्टीज इन इवन सम प्राइवेट बैंक सजेस्ट दैट सिंपल सॉल्यूशंस, जो आसान सॉल्यूशंस होते हैं जैसे प्राइवेटाइज करना सारे के सारे बैंक को, वो यहाँ पर कुछ बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट नहीं लेकर आएंगे। एट एनी रेट जो बैंकिंग रिफॉर्म्स होते हैं उनको 4 बड़े बड़े एरिया से डील करना चाहिए। पहला एरिया है यहाँ पर क्लीन अप बैंक्स बाय रिवाइविंग प्रोजेक्ट्स दैट कैन बी रिवाइव्ड आफ्टर रीस्ट्रक्चरिंग डेट्स। बैंक्स को रिवाइव करना उन प्रोजेक्ट्स को, जो प्रोजेक्ट्स रिवाइव हो सकते हैं उनके डेट्स को रीस्ट्रक्चर करने के बाद। दूसरा है कि यहाँ पर जो गवर्नेंस है, मैनेजमेंट है पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर, उन्हें हम लोग बेहतर बना सकें। इसके साथ है यहाँ पर जो बैंक्स हैं उन्हें डी रिस्क कर सकें बाय इंक्रीजिंग रिस्क ट्रांसफर टू नॉन बैंक्स एंड द मार्केट। और चौथा है यहाँ पर जो नंबर है, जो वेट है गवर्नमेंट मैंडेट का पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर, उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर सकें उन बैंक्स के लिए जो कि यहाँ पर जनरल बैंक्स हैं। तो प्राइवेटाइज किया जाए या नहीं किया जाए ये एक बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पर अगर प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा पब्लिक सेक्टर बैंक को तो क्या वो एक आंसर होगा, और इसके ऊपर बार बार डिस्कशन की जा रही है और ये सबकी अलग अलग आइडियोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। सर्टेनली अगर जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनको फ्री किया जाएगा फ्रॉम सम ऑफ द कंस्ट्रेंट्स, वो यहाँ पर ऑपरेट कर पाएंगे बहुत ही ज़्यादा बेहतर चीज़ें, जैसे वो यहाँ पर लो स्किल्ड जॉब यहाँ पर पे कर सकते हैं, पेइंग बिलो द प्राइवेट सेक्टर फॉर सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट की जो दिक्कत है उनको यहाँ पर बहुत ही डर में रहना पड़ता है जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं। तो शायद ये है कि वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। हाउएवर फ्रीडम टिपिकली रिक्वायर्स डिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगर आप लोग फ्रीडम दोगे तो गवर्नमेंट से आपको दूर रहना पड़ेगा, और यहाँ पर जब तक गवर्नमेंट मेजॉरिटी ओन करेगी या डिस्टेंस हमें नहीं नज़र आएगा। एट द सेम टाइम हम इस चीज़ की गारंटी नहीं ले सकते कि प्राइवेटाइज हो जाएगा तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। कुछ प्राइवेट प्लेयर्स ऐसे भी हैं हमारे इंडिया में जिन्होंने बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस दी है। इंस्टेड वी नीड टू रिकॉग्नाइज दैट ओनरशिप इज जस्ट वन कॉन्ट्रीब्यूटर टू द गवर्नेंस। कि ओनरशिप किसके पास आएगी वो एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूटर है कि गवर्नेंस कैसा चलेगा। सर्टेनली यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कुछ मिड साइज पब्लिक सेक्टर बैंक के ऊपर, पर जो बड़े बड़े बैंक हैं जैसे मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, इट्स अ डीसेफ्स बैंक, तो उनके ऊपर अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे तो फेल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो छोटे बैंक के ऊपर अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बेसिकली ये नॉन नेवर एंडिंग थ्योरेटिकल डिबेट है कि क्या हो क्या ना हो, पर कुछ जो पॉलिटिकल कंप्रोमाइज है वो नीडेड है जिससे यहाँ पर हम लोग बैंकों में सुधार कर सके। एक अल्टरनेटिव प्रपोजल भी सामने आना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग गवर्नेंस को इम्प्रूव करेंगे। वो ये होगा कि हम लोग यहाँ पर जो पुअरली मैनेज्ड बैंक्स हैं उनको एक साथ मर्ज कर दें एक बहुत ही अच्छे बैंक के साथ, बेहतरीन बैंक के साथ, जैसे हम लोग रिसेंटली कुछ पूल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने 2 एक्सपेरिमेंट किए, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे कुछ रीजनल एफिलिएटेड बैंक को यहां पे टेक ओवर कर लिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक, देना बैंक को हम लोगों ने मर्ज कर लिया, और जो परफॉर्मेंस है वो हमें पहले से बेहतर होती हुई नजर आई है।
अब यहाँ पे एक और आर्टिकल है, डी रिस्क बैंकिंग बाय एनकरेजिंग रिस्क ट्रांसफर टू नॉन बैंक्स एंड द मार्केट। देखो बहुत सारा रिस्क यहाँ पर डिवॉल्व होता है बैंक्स के अराउंड, जिसके अंदर रिस्क होता है कि जो इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी है वो ऊपर नीचे होती रहती है, इंटरेस्ट रेट कभी ऊपर होते हैं कभी नीचे होते हैं, जिससे यहाँ पर बैंक्स मार्केट के साथ जुड़े रहते हैं। बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो यहाँ पर बैंक के पास होते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो यहाँ पर डेट वगैरह वो यहाँ पर चीप नहीं हो पाते, तो रिस्क जो होता है वो यहाँ पर रिटर्न होता है थ्रू द बैक डोर। फॉर एग्जाम्पल, बैंक डू नॉट मेक लोन्स टू हाउसिंग डेवलपर्स बिकॉज ऑफ देयर इंट्रिंसिक रिस्क। जैसे बैंक्स हाउसिंग डेवलपर्स को लोन नहीं देते क्योंकि उसके अंदर कुछ रिस्क फैक्टर हम लोगों को ज़्यादा नज़र आता है, पर यहाँ पर वो लोन देते हैं नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज को विच मेक लोन्स टू डेवलपर। तो एक इनडायरेक्टली जा तो वो डेवलपर के पास ही रहा है, तो इन रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए जो बैंक की बैलेंस शीट है वो अपने आप को बचाने के लिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को उन चीज़ों में डाल देती है। और रिसेंटली हम लोगों को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी इन्हीं सब चीज़ों से फंसती हुई नजर आई है। फाइनेंशियल मार्केट डेवलपर्स की बात करें, दे एड्रेस इन ईश्वर प्रसाद नोट इन दिस वॉल्यूम, उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पर हेल्प करेंगे कि बैंक को फोकस किया जाए ऑन रिस्क, दे कैन मैनेज बेटर थस बियर मोर इफेक्टिवली। बैंक्स को यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा फाइनेंशियल मार्केट्स को, रेदर दैन कि यहाँ पर जो फाइनेंशियल मार्केट है उसको अपने कॉम्पिटिटर की तरह लें। तो सॉल्यूशन यहाँ पर और भी हैं, जो कि रघुराम राजन जी ने बताए हैं कि जो पीजे नायक कमेटी है उसने रिकमेंड किया था कि एक अच्छे बात की तरफ हम लोगों को जाना है तो ग्रेटर इंडिपेंडेंस देनी पड़ेगी हम लोगों को पब्लिक सेक्टर बैंक्स को। ओके, जो पब्लिक सेक्टर बैंक बोर्ड है उसको इंडिपेंडेंस देनी पड़ेगी। इसके साथ साथ बैंक्स को यहाँ पर इन हाउस टैलेंट को डेवलप करना पड़ेगा कि जिससे यहाँ पर जो प्रोजेक्ट फाइनेंस है उनको अच्छी तरीके से मैनेज किया जा सके। जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनको स्टार्ट करना पड़ेगा पेइंग मोर टू अट्रैक्ट वर्ल्ड क्लास टैलेंट, कि वो ज़्यादा पे करें, जितने ज़्यादा पे करेंगे उतने अच्छा टैलेंट उनकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इसीलिए ज़्यादा जो अच्छे टैलेंटेड जो लोग होते हैं इकोनॉमिक सेक्टर में वो प्राइवेट सेक्टर में वर्क करते हैं। तो मिड साइज पब्लिक सेक्टर बैंक है उनको हम लोग प्राइवेटाइज कर सकते हैं, ये एक टेस्ट के बेसिस पे, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, एंड बैंक शुड नॉट बी फोर्स टू इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट्स पॉलिसीज प्रायोरिटीज़। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में बैंक्स को यहाँ पर फोर्स ना किया जाए। ओके, क्योंकि जिस तरीके से लोन वेवर होता है उसको बैंक्स अवॉइड कर सकें इन टर्म्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। तो ये कुछ चीज़ें थी जो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में आप लोगों को देखने को मिली। आज के न्यूज़पेपर में इतनी खबरें थी, कैसा लगा आप लोगों को लाइक का बटन दबाकर आप लोग मुझे बता सकते हो। वीडियो को एंड करते हैं, सो लव एंड पीस फ्रॉम माई साइड, थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर गाइस एंड हैव अ गुड डे अहेड।